हेलो एवरीवन। और जैसा कि हम लोग CMET सिलेक्ट का, ठीक है, जो आप लोगों का सब्जेक्ट है वो आपका CMET, CMET सब्जेक्ट का हम लोग आज नेक्स्ट यूनिट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पब्लिक वर्क्स अकाउंट। ठीक है, पब्लिक वर्क्स अकाउंट, ठीक है, ओके। तो आपको पता ही है कि भाई हम जो भी काम कराते हैं, ठीक है, अगर बात करते हैं एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जैसे PWD की बात करें अगर, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम जितने भी प्रोजेक्ट पे आए हुए खर्चों का जो भी लेखा जोखा रखते हैं, ठीक है, कितना पैसा खर्च हुआ, ठीक है, किस काम के लिए पर्टिकुलर खर्च हुआ, ये सब के सब जो ब्यौरा रखते हैं, डिटेल रखते हैं, वो अकाउंट्स के अंतर्गत आता है और ये बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत हम लोग कुछ जो जो मेन मेन टॉपिक है उसको हम लोग कवर करते चलेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग देखेंगे दैनिक श्रमिक रिपोर्ट क्या होता है। दैनिक दैनिक श्रमिक रिपोर्ट क्या होता है, श्रमिक रिपोर्ट यानी इसको अंग्रेजी बोलते हैं डेली लेबर रिपोर्ट। होता है क्या एक्चुअली में, इसमें जो भी आपके दैनिक जो आपका दैनिक श्रमिक रिपोर्ट है, मास्टर रोल के संदर्भ में, अभी मैं मास्टर रोल बताऊंगा आगे क्या होता है, कि संदर्भ में प्रपत्र संख्या 30 पर तैयार करके प्रतिदिन जो होता है जो असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं उनको हम लोग भेज देते हैं। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, ठीक है, इस पे इस प्रपत्र में दैनिक श्रमिक रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ मेंशन किया जाता है उसको आप लोग एक बार देख लीजिए, उसमें क्या क्या चीज़ मेंशन किया जाता है। तो कार्य का नाम पहला चीज़, कार्य का नाम, ठीक है, कार्य का नाम, श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या संख्या ठीक है, उनका वर्ग, मजदूरी की दर, ठीक है, का जो भी विवरण है, ठीक है, जो भी विवरण है इसका, उस पर हम लोग क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए, जैसा कि हमने बताया था कि जो ये सब चीज़ें हैं उस पर क्या करना है आपको, उसी प्रपत्र पर तैयार करना है, जो कि आपको बोला जाता है डेली लेबर रिपोर्ट। ठीक है, क्या बोला जाता है, डेली डेली लेबर लेबर रिपोर्ट। ठीक है, डेली लेबर रिपोर्ट, इसमें क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली जो हमने अभी जस्ट बताया, इसको क्या करना है कि ग्राफ के तौर पे एक प्रपत्र संख्या 30 पे क्या करना है, इसको मेंशन करना है। ठीक है, मेंशन कुछ इस प्रकार करना है, ध्यान से देखिएगा, मेंशन कुछ इस प्रकार करना है कि कुछ ऐसे हम इसको क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे इसको हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं, ओके। और यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कार्य का नाम लिख देते हैं। ठीक है, कार्य का नाम, श्रमिकों का वर्ग लिख सकते हैं, यहाँ पे संख्या लिख सकते हैं, और आगे स्वान इसको बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, संख्या इस तरह हम आगे इसको बढ़ाते चलते जाते हैं। ठीक, ओके, ये आपका जो भी बनता है इस तरह प्रपत्र तैयार करना, उसको हम लोग जनरली बोलते हैं डेली लेबर रिपोर्ट। क्या बोलते हैं उसको, इसी को बोलते हैं हम लोग डेली लेबर रिपोर्ट। ठीक है, डेली लेबर रिपोर्ट, ओके। तो आपको ये बात क्लियर हो गया होगा, जो कि प्रपत्र संख्या इस पे तैयार किया जाता है, और प्रतिदिन जो होता है आपका सहायक अभियंता को हम लोग इसको जनरली भेज देते हैं, उसमें कार्य का नाम, ठीक है, श्रमिक की संख्या और उनका वर्ग, मजदूरी का जो रेट है उसका पूरा डिटेल्स रख करके उसमें भरा जाता है। ठीक है,
ये आपका प्रोसेस होता है, ठीक है? ओके चलिए, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट जो कि आपके एग्जाम में पूछता है कभी कभी, कि मास्टर रोल क्या होता है, उपस्थिति नामावली क्या होता है, ठीक है? इसको हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। इस पे देखते हैं, ध्यान देते हैं, मास्टर रोल वो नहीं कि इसको बोलते हैं उपस्थिति नामावली, मास्टर रोल, ठीक है, मास्टर रोल, क्लियर? मास्टर रोल क्या होता है कि एक रूप से अगर देखा जाए तो उपस्थिति श्रम उपस्थिति रजिस्टर है। क्या है? श्रम उपस्थिति उपस्थिति रजिस्टर है, ठीक है, रजिस्टर है। ओके, क्या है बाबू? श्रम उपस्थिति रजिस्टर है, ठीक है, जो एक विशेष कार्यस्थल और एक विशेष अवधि से क्या होता है, जनरली संबंधित होता है, ठीक है। जनरली यह एक रसीद के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, और आमतौर पे एक विशेष कार्य के लिए पूरा होने में कई मास्टर रोल शामिल हो सकते हैं या फिर होते ही, ठीक है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि मास्टर रोल क्या है। एक रूप से रजिस्टर्ड है, ठीक है, सॉरी रजिस्टर है, जिसमें आपके विशेष कार्यस्थल और एक विशेष अवधि से क्या है संबंधित है, ठीक है। इसको हम जनरली सदस्य के रूप में भी, रिसिप्ट के रूप में भी प्रयोग किया सकते हैं, उपयोग लाया जा सकता है, और आमतौर पे, ठीक है, एक विशेष कार्य के लिए पूरा होने में कई मास्टर रोल उपयोग करते हैं। इसको भरने के कुछ नियम होते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, इसको भरने के नियम होते हैं। देखिए, मास्टर रोल भरने के कुछ महत्वपूर्ण नियम, हेडिंग डालिए, मास्टर रोल, मास्टर रोल भरने के कुछ महत्वपूर्ण नियम, कुछ महत्वपूर्ण नियम, ठीक है, क्लियर? तो कुछ ऐसे नियम हैं जिनको हम क्या करेंगे, एक एक करके उसको देखते चलेंगे, ठीक है, ओके, चलिए इसको रोक करते हैं। पहला नियम है, मास्टर रोल पर उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है। पहला नियम कहता है कि मास्टर रोल पर उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है या आवश्यक है, ठीक है, दर्ज करना आवश्यक है। और इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, जो आपका मास्टर होता है उसमें मजदूर का नाम, ठीक है, ठीक है, उसमें मजदूर का नाम, मजदूर का नेम, ठीक है, मजदूर नेम, और आपके जो आपको मजदूर को जो कार्य दिया जा रहा है उसका विवरण, यानी कि कह सकते हैं कार्य का विवरण, कार्य का विवरण, ठीक है, ये चीज़ें उसमें क्या होती हैं, मेंशन होना चाहिए, पहला चीज़, ओके, पहला चीज़ आपको इससे पता चल गया, ठीक है। दूसरा चीज़ देखते हैं हम लोग, दूसरा चीज़ देखते हैं हम लोग, दूसरा चीज़ है कि एक विशेष कार्य एवं अवधि के लिए केवल एक ही मास्टर रोल उपयोग में की जाती है या फिर उपयोग में ले जाती है, ठीक है, एक विशेष कार्य एवं अवधि के लिए, ठीक
एक विशेष कार्य एवं अवधि के लिए, केवल एक ही मास्टर रोल उपयोग की जाती है, केवल एक ही मास्टर रोल, उपयोग में ले जाती है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट ये हो सकता है कि कार्यस्थल पर उपस्थिति जो प्रदर्शित की जाती है, ठीक है, मास्टर रोल की कोई भी नकल नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, उसका मतलब कॉपी कर सकते हैं उसका। ठीक है, कोई भी नकल नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट हो सकता है कि कार्य पर लगे श्रमिकों के नाम उनकी श्रेणी के अनुसार भरे जाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका यहाँ पे, जो कि मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो कि यहाँ पे यह है कि आपका मास्टर रोल के ऊपर खंड का नाम, मास्टर रोल के ऊपर ऊपर खंड का नाम, ठीक है, खंड का नाम एवं कार्य का नाम लाल स्याही से अंकित किया जाना चाहिए। ठीक है, एवं कार्य का नाम एवं एवं कार्य का नाम लाल स्याही से अंकित किया जाना चाहिए। ठीक है, लाल स्याही से क्या करते हैं हम लोग, अंकित कर देते हैं। ठीक है, अंकित कर देते हैं या फिर उससे करना ही चाहिए। ठीक है, ओके, क्लियर। तो इस तरह आपके बहुत सारे कंडीशन होते हैं, जैसे जिस अवधि में मास्टर रोल हमको जनरली बनाना होता है, उस अवधि के बाद श्रमिकों की उपस्थिति का जो योग होता है, जनरली जो सम होता है, उसको करके हम लोग क्या करते हैं, कॉलम में लिख दिया जाता है। ठीक है, और प्रत्येक मजदूर की जो जो मजदूर की जो मजदूरी रेट होती है, उसको उसके मजदूर के जस्ट सम्मुख के सामने ही फ्रंट पे उसको लिख जाती है कि प्रत्येक प्रत्येक काम के लिए जितना मजदूरी आपका फिक्स है। ठीक है, क्लियर, ओके, ठीक है। अगर मान लीजिए अधिक धनराशि की बात हो रही है, ठीक है, अधिक धनराशि की बात कर रहा है, तो मास्टर रोल को क्या करते हैं हम लोग, स्वीकृति के लिए जनरली उपखंड अधिकारी या फिर अधिशासी अभियंता को हम लोग जनरली क्या करते हैं, भेज देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, भेज देते हैं। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती हैं आपकी। ठीक है, ओके, चलिए, इस तरह आप इसको बढ़ते जाइएगा। ठीक है, क्लियर। और इसका जो प्रपत्र संख्या होता है, ठीक है, इसका जो प्रपत्र संख्या होता है, आपको मास्टर रोल का होता है फॉर्म 21, ठीक है, 21। इसमें भी काफ़ी जो आपका डायग्राम होता है जनरली आपका इसी तरह बनेगा, जैसे हमने अभी जस्ट बनाया था लेबर वाला, ठीक है, डेली लेबर रिपोर्ट का, उसी तरह आपका मास्टर रोल भी बनता है, लेकिन इसका जो प्रपत्र संख्या होता है आपका, प्रपत्र संख्या 21 होता था, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसके मतलब रूपरेखा में। ठीक है, इसी तरह बनाएंगे, लेकिन इसमें कुछ कैसे क्लासिफिकेशन है, कुछ ऐसे इसको ऐसे ऐसे, ठीक है, इसमें नाम मेंशन करके उसके बाद उसको फाइनली क्या करते हैं, दिखा देते हैं। ठीक है, क्लियर, चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्टर रोल अक्सर आपसे पूछ लेता है। ठीक है, क्लियर, ओके। अब बात करते हैं कि अगर हम कोई भी जो स्टोरेज की बात होती है, अगर देखा जाए स्टोरेज, ठीक है, और बात करें स्टोरेज, स्टोरेज का मतलब होता है भंडारण। स्टोरेज का मतलब होता है भंडारण, तो आपको सबको पता है, ठीक है, कि भैया हम कोई भी काम कराने जाते हैं, ठीक है, तो काम कराने से पहले, ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, काम स्टार्ट होने से पहले हम अपने साइट पे किसी भी मटेरियल को क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से
ताकि उसका हम प्रॉपर खपत कर सकें, ठीक है, उसको स्टोर करना ज़रूरी होता है, उसको स्टोरेज रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर स्टोरेज नहीं रहेगा काम के बाद से क्या होता है, कुछ चीज़ें कम सी हो सकती हैं, ठीक है, इसके लिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, ओके। तो कहीं ना कहीं जो आपका जो नियम होता है इसके लिए, कि जनरली जो होता है आपका जो स्टोरेज किया जाता है, ठीक है, जो भी सामान हो सकता है, जैसे मान लीजिए मटेरियल लिए, ठीक है, आपने मटेरियल को क्या किया भाई, उसको रखा काम के लिए, जो ठेकेदार को पता भी रहता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ठेकेदार ही क्या करता है, सारा कुछ करता है, ठीक है, ओके। चले, तो ये चीज़ें होती हैं स्टोर के अंतर्गत, ठीक है, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होता है, जितने भी आपके सामान होते हैं, जितने भी मटेरियल होते हैं, ओके, उन मटेरियल को हम क्या करते हैं, प्रॉपर जगह सुटेबली क्या करते हैं, प्रॉपर अरेंज करके रख देते हैं। अगर हम बात करते हैं कि अगर आप मटेरियल की बात करते हैं, तो अगर बात करें किसी कंस्ट्रक्शन के लिए, तो कहीं ना कहीं जो सीमेंट होता है आपका, बहुत इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है आपका, क्योंकि आपको मैं पता है कि सीमेंट को एक प्रॉपर एक धूप से या फिर बरसात से बचने के लिए उसको कहीं ना कहीं प्रॉपर एक कोल्ड प्लेस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कोल्ड प्लेस नहीं, मतलब इतना होना चाहिए कि उसको ना बरसात उस पर ज़्यादा इफेक्ट करा सके ना आपका धूप, उसको एक जगह कहीं गोदाम वगैरह बना कर वहाँ स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। उसको प्रॉपर रखने का भी अरेंजमेंट होना चाहिए कि जो आपका वाल है उससे कितनी दूरी पर होना चाहिए, कितने हाइट पर होना चाहिए, एक मतलब एक चट्टे पे कितना उस पर बोरिया आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं आप समझने वाली बात होती है, और आपको ऐसे जगह ये सब चीज़ों रखना है, जैसे मेरे सरिया हुआ, सरिया को ऐसी जगह आपको रखना था कि अगर बरसात का पानी भी लगता है तो कहीं उसमें जंग ना लगने पाए, ठीक है, ओके। बालू है तो बालू को प्रॉपर स्पेस जगह रखने के लिए उस पर आए, ठीक है, क्लियर। चलो ठीक है, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं हमें चीज़ लगता है कि हाँ ये चीज़ें जो हैं स्टोर में रखा हुआ है, आप पर्टिकुलर जिस काम के लिए आप यूज़ करना चाहते हो उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, बात करते हैं बात करते हैं औजार एवं संयंत्र, टूल्स एंड प्लांट्स, टूल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, टूल्स एंड प्लांट्स, सिंपल सा भाई, कोई भी हम निर्माण कार्य करते हैं, ठीक है, कोई भी निर्माण कार्य हम लोग करते हैं, बेसिकली हम लोग वहाँ देखते हैं कि जो आपके टूल्स होते हैं, जो आपके संयंत्र होते हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती है भाई, ऑब्वियस सी बात है कि उपकरण इसलिए यूज करते हैं ताकि हम और अपने काम को क्या कर सकें, और आसान बना सकें, ठीक है, काम बना सकें। बाकी आपको जितना भी मटेरियल उसमें यूज़ करना होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, देन फर्दर इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, देन उसको फर्दर यूज़ करेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर इसमें देखेंगे हम लोग जो आपका टूल्स एंड प्लांट्स है, उसमें जनरली जो होते हैं, इसमें तीन तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं बेसिकली, ठीक है, तीन तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं। पहला अगर देखा जाए, बेसिकली तौर पे दो टाइप्स के हैं, ठीक है, अगर देखा जाए तो बेसिकली अगर देखा जाए तो दो टाइप्स के हैं। पहला आपका है कि जो आपके ऑर्डिनरी टूल्स एंड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी टूल्स एंड एंड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, और दूसरा आपका होता है स्पेशल टूल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, स्पेशल टूल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, स्पेशल टूल्स एंड प्लांट्स, ये आपके दो टाइप, ठीक है। तो हम देखते हैं जो आपका सिंपल औजार होता है, जैसे आपकी कोई भी काम सिंपल रख रखाव के लिए काम करते हो, ठीक है, या फिर कोई छोटा सा एक रूप कह सकते हो टूल्स के तौर पे अगर काम करें, कोई चीज़ मान लीजिए किसी चीज़ की ढुलाई करना हो, या फिर किसी चीज़ की मरम्मत करना हो, रख रखाव में जो भी आपके खर्च किए जाते हैं जनरली, ठीक है, उस टाइप के आपके जो औजार होते हैं जनरली क्या होते हैं, सिंपल होते हैं। अगर बात करते हैं कि स्पेशल टाइप का, तो स्पेशल टाइप में आपके के बड़े यूज़ हो सकते हैं आपके उपकरण, ठीक है, स्पेशल टाइप में आप टूल्स में आपका इसलिए अगर देखा जाए तो ट्यूब लाइट वगैरह भी आ सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए, इस बात को आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक
ठीक है, यानी कि दो तरह से होते हैं जनरली, जो आप सिंपल कार्य के लिए जनरली यूज़ करते हैं उसको हम अर्जेंट यूज़ करते हैं, और जो स्पेशल काम के लिए या फिर साइंटिफिकली काम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं स्पेशल फ्यूल टाइप। ठीक है, तो ये आपको बहुत बेसिक होता है, ठीक है, जो कि आपको खुद पता चल जाता है कि कौन सा टूल सिंपल है, कौन सा स्पेशल टाइप का होता है। ठीक है, इससे में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो गाइस आप फिर से ध्यान दीजिएगा, जो अगला हम लोग पढ़ेंगे वो आपका होगा, होता है एडवांस। ठीक है, एडवांस कहिए, अग्रिम कहिए, एक आता पर टॉपिक एडवांस। एडवांस ठीक है, तो होता क्या है कि जो आपके वितरण अधिकारी होते हैं, ठीक है, ठीक है, वितरण जो अधिकारी होते हैं वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सरकारी कार्य के हित में छोटे मोटे सरकारी भुगतानों के लिए कुछ धनराशि दे देते हैं। ठीक है, कुछ धनराशि क्या होते हैं, दे देते हैं। इन्हीं धनराशि को जनरली क्या बोलते हैं, अग्रदाय बोलते हैं। ठीक है, या तो इनको बोलते हैं अग्रदाय, अग्रदाय बोलते हैं, या फिर बोलते हैं, या फिर बोलते हैं अग्रिम, अग्रदाय या फिर अग्रिम। ठीक है, एडवांस बोलते हैं या फिर इंटरेस्ट बोलते हैं। कब, जब आप क्या करते हो, छोटे छोटे मतलब सरकारी जो भी काम होते हैं उनमें भुगतानों के लिए कुछ धनराशि देते हैं। ठीक है, कुछ धनराशि देने से क्या होता है कि आपका जो काम होता है, जो होने वाला होता है, पहले से ये आदमी उस पर क्या होता है, तत्पर हो जाता है कि हम आपका काम कर देंगे। ठीक है, इस पे आप पे, ठीक है, ओके। जैसे आमतौर पे जो आपके PWD का जो वर्क्स होता है, प्रतिदिन के जो काम काज में छोटे बहुत क्या होता है, छोटे मोटे भुगतान करने पड़ते हैं। ठीक है, और ये भुगतान जो है केवल अधिकार जो है वितरण अधिकारी के पास ही होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इस सब चीज़ों के लिए क्या होता है कि जनरली बेसिकली जो भुगतान किया जाता है वो छोटे मोटे पैसों में किया जाता है। ठीक है, बहुत बड़ी राशि नहीं होनी चाहिए एडवांस में, आप फिर काम करा लो, उसके बाद से जो पैसा आपको बन रहा है वो पैसा दे दीजिए। ठीक है, इसका टाइप्स की बात करें,
सकते, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है, ओके। एक चीज और याद रखना कि जो सरकारी एवं व्यक्तिगत धनराशि को हम लोग जनरली क्या करते हैं, अलग अलग रखते हैं, ठीक है। और रोकड़ बही को बंद करके हम लोग जनरली कहते हैं, करते समय हम लोग धन की जांच कर लेना चाहिए, ठीक है। रोकड़ बही को बंद करते समय जब भी हम क्या करते हैं, लीजिए जो जितना धन हमको रखना था उसको बंद करने से समय ही धन की जांच कर लेना चाहिए, क्या मैंने एक्चुअल में इतना पैसा है या फिर नहीं है तिजोरी में, ठीक है। ये सब बहुत आपके सावधानियाँ होती हैं जो कि आपको बरतने की आवश्यकता होती है, ठीक है, जो कि आपको बरतने की आवश्यकता होती है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ओके, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि कैश क्या होता है, रोकड़ क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है MB, ठीक है, MB। अब बच्चों को लगा MB क्या है, MB इसको बोलते हैं हम लोग जनरली मेजरमेंट बुक, क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बुक, मेजरमेंट बुक बोलते हैं हिंदी में, उसको बोलते हैं माप पुस्तिका, माप पुस्तिका, ठीक है, ओके। चलिए अब बात करते हैं कि माप पुस्तिका है, ठीक है, मेजरमेंट बुक होता है। तो जनरली जो आपका मेजरमेंट बुक होता है एक महत्वपूर्ण अभिलेख होता है, क्या होता है, एक आपका महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट अभिलेख होता है, अभिलेख होता, ठीक है। और जो आपका माप पुस्तिका होता है सार्वजनिक कार्यलेख यानी पब्लिक वर्क्स अकाउंट, ठीक है, फॉर्म 23 देना है, फॉर्म 23 पर छापी जाती है, पर छापी जाती है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये जो प्रपत्र संख्या है, फॉर्म संख्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तो एक एग्जाम में क्वेश्चन में आप सीक्टू में पूछा जा सकता है, ठीक है, आप सीक्टू टाइम में क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि जो आपका मेजरमेंट बुक है वो किस प्रपत्र पे मेंशन किया जाता है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जो आपका मेजरमेंट बुक होता है वो आपके फॉर्म संख्या 23 पर मेंशन किया जाता है, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें जनरली हम क्या करते हैं, 100 जो पृष्ठों की संख्या होती है, ठीक है, याद रखना, इसमें जो पृष्ठों की संख्या होती है, इसमें जो है पृष्ठों की जो संख्या होती है, पृष्ठों की जो संख्या होती है वो जनरली क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। पृष्ठों की संख्या क्या होता है जनरली, इसमें हम लोग जनरली 100 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो भी प्रविष्टियां करेंगे, ठीक है, इस अभिलेख में जो भी प्रविष्टियां करेंगे वो सावधानीपूर्वक करते हैं, ठीक है, जिससे कि जो भुगतान संबंधी किसी भी विवाद के समय माप पुस्तिका को हम प्रमाणित रूप में न्यायालय में जनरली क्या कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं, ताकि आपके लगे कि हाँ अगर हमने गलती किया है तो आप उसको वेरीफाई करा सकते हैं, ठीक है, आप सही हैं तो उसके लिए भी आप चेक करा सकते हैं। माप पुस्तिका में प्रविष्टियाँ केवल जो है प्रविष्टियाँ जो करते हैं हम लोग इंटर करते हैं उसमें केवल जे ए और ई की ही कर सकते हैं, अन्य उच्च अधिकारी जाँच के लिए जनरली क्या होते हैं, नियत होते हैं, ठीक है, क्लियर। और माप पुस्तिका के प्रत्येक पृष्ठ पर मशीन द्वारा जो होता है पृष्ठ संख्या अंकित की जाती है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये किस पत्र में भरा जाता है, तो माप पुस्तिका फॉर्म संख्या 23 के पृष्ठ का नमूना आगे दर्शाया गया है, आगे इसलिए दर्शाया गया है मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आगे जो आपका यहाँ पर मैंने दर्शाया हूँ कुछ ऐसा आपका रहेगा, ठीक है, जो आपका ऐसा रहेगा, ठीक है, तो यहाँ से आपको सब कुछ मेंशन रहेगा कि पर्टिकुलर आइटम जो रहेगा यहाँ पे सीरियल नंबर होगा, ठीक है, पर्टिकुलर आप आइटम्स होगा, नंबर होगा यहाँ पे, डिटेल ऑफ मेजरमेंट है होगा यहाँ पे, डिटेल ऑफ मेजरमेंट होगा, डिटेल ऑफ मेजरमेंट होगा, ठीक है, कंटेंट्स और एरिया होगा, ये सब के सब जो होता है आपको कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है, सब के सब क्या होते हैं, कंसिडर किए जाते हैं, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपको मेजरमेंट बुक में। और ये जनरली आपके जो है 3 टाइप के होते हैं, मैं इसको भी बता दे रहा हूँ आपको जनरली, ठीक है,
क्लासिफिकेशन में पूछा जाए इसका, क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरमेंट बुक, तो इसमें क्या होता है, तीन टाइप होते हैं। पहला होता है आपका सामान्य मेजरमेंट बुक, यानी कि जनरल मेजरमेंट बुक, जनरल मेजरमेंट बुक। दूसरा आपका होता है चेक मेजरमेंट बुक, चेक मेजरमेंट बुक। और थर्ड होता है आपका स्टैंडर्ड मेजरमेंट। ये तीन टाइप को बस क्लासिफिकेशन याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं, ठीक है, आसानी से बता सकते हैं। क्लियर? ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और बाकी जो टर्म में आपका कंडीशन है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं इतनी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब थोड़ा सा जो है आपको मैं बता दूं कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ PW जो होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ PW, यहाँ मैं अगला जो टॉपिक होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ PW, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ PW, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ PW, ठीक है। सार्वजनिक निर्माण विभाग का क्या होता है, संगठन के, इसमें जनरली जो होता है किसी भी विभाग को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अच्छे संगठन की आवश्यकता पड़ती है, जैसा कि आप जानते हो, ठीक है। तो सामान्यतः इंजीनियरिंग विभाग के संगठन में मुख्य दो अधिकारी होते हैं, ठीक है, मेनली जो होते हैं टू ऑफिसर्स होते हैं, टू ऑफिसर्स मेनली। पहला पहला होते हैं आपके प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है। दूसरा होते हैं आपके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कार्यकारी, कार्यकारी। तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा, जो आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जनरली दो तरह होते हैं, ये तो उसको प्रशासनिक तरीके से जो भी आप हैंडल कर रहा है, या फिर जो कार्यकारी के हिसाब से जो एग्जीक्यूटिव कर रहा है ऑफिसर, उसको जनरली, ठीक है। ओके, जो आपका प्रशासनिक अधिकारी होता है, इसमें जो आपका प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक जो अधिकारी होता है, इन अधिकारियों को मुख्य कार्य विभाग का जो प्रशासन होता है, ठीक है, जो भी विभाग है आपका, उस विभाग का प्रशासन, प्रशासन तथा कार्य के तथा विभाग के तथा विभाग के कार्यकलापों पर प्रभावी नियंत्रण रहता है, ठीक है, विभागों के कार्यकलापों पर प्रभावी नियंत्रण रखना है, पर प्रभावी नियंत्रण रखना होता है। बेसिकली जो होता है आपके प्रशासनिक अधिकारी का काम होता है, ठीक है, क्लियर। और ये समय समय पर कभी कभी जो अधिकारी लोग होते हैं, ये जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, इस समय समय पर क्या होते हैं, निर्माण का निरीक्षण करके उन पर पूर्ण नियंत्रण भी रखते हैं, ठीक है। और इनके अंतर्गत आपके चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आते हैं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं दूसरा, अगर बात करें दूसरा कार्यकारी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी के बाद से अगर बात करें दूसरा कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी, ठीक है। तो ये अधिकारी विभाग में चल रहे कार्यों से जो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, ठीक है, उन पर क्या कहते हैं, अपना ठीक है, ये निर्माण कार्य की व्यवस्था, प्रगति, क्वालिटी, भुगतान आदि के लिए सीधे रूप से उत्तरदायी होते हैं। ध्यान देना, ये क्या होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, एक किसी निर्माण कार्य की व्यवस्था, व्यवस्था, प्रगति, प्रगति, क्वालिटी, क्वालिटी, भुगतान आदि के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, ठीक है।
उत्तरदायी होते हैं। क्लियर। इनके अंतर्गत आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है, इसको SDE बोला जाता है, या फिर सहायक अभियंता जिसको बोलते हैं, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर, अमर अभियंता या फिर जूनियर इंजीनियर, सब के सब आपके इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। तीन चीज़ें आपको जो हैं, हर जो भी आपका चीफ इंजीनियर है उसका जो फंक्शन होता है, सामान कार, प्रशासनिक कार की बात करें तो सामान कार, कार्मिक संबंधी कार, लेखा संबंधी कार, बजट बनाना व शासन अनुदान प्राप्त करना, सब के सब जो होता है प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत आता है। अब तकनीकी कार्य आपका निरीक्षण, दिशा निर्देश, विशेषज्ञों की सेवा प्राप्त करना, स्वीकृति देना, ये सब के सब जो होता है तकनीकी कार्य के अंतर्गत, यानी कि टेक्निकल फंक्शन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार आपका चीफ इंजीनियर का भी होता है फंक्शन होते हैं, इसी प्रकार सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का भी फंक्शन होता है, यानी कि आप किसी भी इंजीनियर की बात करें तो जनरली प्रशासनिक और आपका तकनीकी कार्य आपको मिलेंगे। तकनीकी कार्य में आपको डिजाइन को लेकर के या फिर किसी प्रोजेक्ट को लेकर के ही बात होगा क्वालिटी के साथ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ओके, चलिए, ओके। तो ये आपके जो हैं जो पब्लिक वर्क्स अकाउंट से रिलेटेड अगर बात करते हैं, ठीक है, अगर बात करें पब्लिक वर्क्स अकाउंट के रिलेटेड, तो ये कहीं ना कहीं आपके इंपॉर्टेंट जो थीम थे आपके आज के जो स्ट्रक्चर था उसमें कहीं ना कहीं हमें एक देखने को मिलता है कि जब भी कोई पब्लिक वर्क्स के अंदर जो भी काम होता है, चाहे रोड बनता है, चाहे बिल्डिंग बन रहा है, तो उसका प्रॉपर एक लेखा जोखा हर एक, चाहे मशीन का हो, चाहे मटेरियल का हो, चाहे जो भी हो, एक प्रॉपर लेखा जोखा होना होता है। इससे क्या होता है, सरकार को इस चीज़ आसानी से पता चल जाती है कि कौन सा पैसा कहाँ पर खर्च हुआ है, प्रॉपर एक एस्टिमेट, मतलब एक जगह एक प्रॉपर डिटेल मिल जाने की वजह से क्या होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है कि इनके से हम कभी भी जब बात करते हैं अकाउंट्स का, तो ऐसा नहीं है कि इसकी सिर्फ काम पैसा का ही लेना, आप किसी चीज़ के अकाउंट्स कर सकते हैं, लेखा जोखा रख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने मटेरियल ही लिया, ठीक है, उसके बदले में जो भी आपने रखा उसको डिटेलिंग रखा, या फिर मटेरियल मशीनरी आपका बात हुआ, कोई मशीन को लेकर के बात हुआ, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन के लिए जो पूछे गए हैं, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि लोक निर्माण लेखा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, PAWA पब्लिक वर्क अकाउंट से आपको क्या समझते हैं, पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि अकाउंटिंग का कितना महत्व है। ठीक है, उसके बाद टेक्निकल सेक्शंस पर प्रकाश डालिए, यानी जो भी आपके इंजीनियर लोग हैं उसके एडमिनिस्ट्रेटिव और आपका टेक्निकल जो फंक्शन है इसके ऊपर क्या करना है आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, प्रकाश डालना, क्लियर, ओके। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा है आपका मेजरमेंट बुक क्या होता है, बल्कि अब नाउ द सीजन में जो आपका जो पेपर होने वाला है इस कंडीशन में वो ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन फिर भी इनको सब क्वेश्चनों को दिमाग में रहना चाहिए कि चीज़ें होती क्या हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ना। ठीक है, जैसे मेजरमेंट बुक का, मेजरमेंट बुक का क्लासिफिकेशन पूछेगा, ऑप्शन में चार देगा, एक ऑप्शन उसी क्लासिफिकेशन का होगा, बाकी तीन अलग होंगे, तो आपको अगर क्लासिफिकेशन पता होगा तभी तो उस पर क्लिक करोगे, अदरवाइज फिर नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। तब ये चीज़ें क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सब चीज़ें। ठीक है, क्लियर, ओके। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ओके। और आपके क्वेश्चन इसमें बनते हैं कि मास्टर रोल क्या होते हैं, मास्टर रोल क्या होते हैं। ठीक है, मास्टर रोल क्या होते हैं, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ठीक है, कैश बुक क्या होता है, जो आपके आहरण एवं वितरण अधिकारी होते हैं उनका क्या मतलब रोल इम्पोर्टेंट होता है उनका। ठीक है, या फिर जो आपके एडवांस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कितने टाइप्स के इसके क्लासीफाई किया गया एडवांस को, जैसे टूल्स एंड प्लान्स को समझाइए, टूल्स एंड प्लान्स को समझाइए। ठीक है, सिंपल सी बात है, टूल्स एंड प्लान्स को क्या हुआ समझाइए,
जिसे आप क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकें, समझ सकें। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो आज के लिए मैं चाहूँगा कि अभी जितना हमने कवर किया है, ठीक है, पब्लिक वर्क्स अकाउंट का, ठीक है, पब्लिक वर्क्स अकाउंट का जो भी चीज़ हमने आज पढ़ा है, मास्टर रोल, मेजरमेंट बुक, या फिर जो टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसको लेकर के, कहीं ना कहीं आपसे इससे जुड़े क्वेश्चन आप तो बनाया जा सकता है बेहतर तरीके से, तो आप अपने तरीके से इसको नोट्स भी बराबर बना दीजिए, ठीक है, ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। ठीक है, बाकी और अपना पढ़ाई करते रहिए, अभी हम कंटिन्यू जो है जस्ट कुछ समय बाद हम क्या करेंगे, आपके नेक्स्ट यूनिट यानी कि सबसे लास्ट यूनिट भी हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है उद्यमिता, ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तब तक के लिए आप अपना रिविजन करते रहिए, ठीक है, और नोट्स अगर बना सकते हैं तो बना नहीं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, फोकस ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली, क्योंकि आपका पेपर जो होगा 22 जुलाई से स्टार्ट है, ठीक है, इस वजह से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। मैं भी अब कुछ दिन के बाद जैसे हम लोगों का सिलेबस खत्म हो जाता है थ्योरी वाला, तुरंत हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे इसका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।